and welcome to Amazing Easy Cooking. Wish you all a very happy Holi. जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर हमने आपके साथ शेयर किए हैं गुजिया और दही गुजिया के वीडियोस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज फ्रेंड्स, इस होली स्पेशल वीडियो में हम बनाना सीखेंगे पानी बताशे और दही बताशे। जी हाँ दोस्तों, मजेदार, जायकेदार, चटपटे और लाजवाब पानी और दही के बताशे हम बनाएंगे इंस्टेंट गोलगप्पों के साथ एयर फ्रायर में। तो आइए दोस्तों, जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। पानी और दही के बताशे बनाने के लिए आपको चाहिए उबली हुई मटर, उबले आलू, फ्रेश हरी धनिया के पत्ते, फ्रेश हरी पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक, इमली की चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी, बूंदी, सेव, नमक, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, काला नमक, पिसी चीनी, नींबू का रस, अगर नींबू का रस नहीं है तो आमचूर पाउडर या फिर इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं, दही, हींग, इंस्टेंट गोलगप्पे, पानी पूरी मसाला और पानी। तो आइए दोस्तों, बनाना सीखते हैं स्वादिष्ट पानी और दही के बताशे। चटपटे पानी और दही बताशे बनाने के लिए सबसे पहले ओवरनाइट भिगाना है मटर को पानी में, और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स कुकर में आप इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर उबाल लें नमक और हींग डालकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सूखी मटर लेनी है। इसी तरह से दोस्तों आलू को भी बॉईल कर लेंगे और इस तरह से मैश कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम पानी के लिए धनिया और पुदीने को पीसेंगे और साथ ही इसमें हम मिर्ची और अदरक भी डालेंगे। तो आइए मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हमने डाला है फ्रेश पुदीना। तो गोलगप्पे के पानी में फ्रेंड्स पुदीने का तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फ्रेंड्स हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो आइए दोस्तों हम चेक करते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा धनिया पुदीने का मिक्सचर, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम एक गहरा बर्तन लेंगे, इसमें हम हमारे धनिया पुदीने की मिक्सचर को डालेंगे जो हमने मिक्सी में तैयार किया था, पीस लिया था। अब फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। तो ये गया ठंडा पानी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स हम काला नमक, पिसी चीनी, नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर, हींग, पानी पूरी मसाला, ये थोड़ा ज्यादा डालेंगे फ्रेंड्स, इससे ही चटपटा स्वाद आएगा फ्रेंड्स। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा खट्टा तीखा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है गोलगप्पों के लिए, और इसे आप फ्रेंड्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और अगर और स्मूथ करना है तो इसे आप छान लें। तो हम पानी को छानेंगे दोस्तों एक छन्नी की मदद से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा खट्टा और तीखा पानी तैयार है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम आपको इसके बाद मीठा पानी भी बताएंगे। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों बूंदी, और बिल्कुल तैयार है हमारा खट्टा तीखा पानी। मजेदार, मस्त,
पानी बताशों के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और कितना मजेदार दिख रहा है दोस्तों, वेरी वेरी टेम्प्टिंग एंड डिलीशियस। आइए दोस्तों हम बनाना सीखते हैं मीठा पानी। तो उसके लिए हमें पहले लेनी है इमली की चटनी, से हम बाउल में डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स पानी पूरी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। और साथ ही हम डालेंगे काला नमक। अच्छी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पानी बताशों के लिए बना रहे हैं हम मीठा पानी, और अब हम इसमें भी ऐड करेंगे बूंदी। ये अलग सा ही बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है फ्रेंड्स। हमने बनाया था तीखा चटपटा पानी और अब हम ये बना रहे हैं मीठा चटपटा पानी हमारे पानी बताशों के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पानी बताशों के लिए रेडी है तीखा पानी और मीठा पानी, कुल चटपटा मस्त जायकेदार मजेदार। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम गोलगप्पे में भरने के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे उबले हुए मटर लिए हैं दोस्तों। तो इसमें हम मिक्स करेंगे अपने बॉइल्ड मैश्ड आलू। मटर ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, आप केवल आलू से भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। बॉइल्ड आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मटर में, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही ऐड करेंगे काला नमक, और ये थोड़ा सा हमने डाला है रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और अब सभी मसालों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारी फिलिंग को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिलिंग में सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं हमने, और इसमें हम आप डालेंगे फ्रेश हरे धनिया के पत्ते फाइनली चॉप्ड टू ऐड मोर टेस्ट। धनिया का फ्लेवर फ्रेशनेस लाता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही जायकेदार बनने वाली है हमारी फिलिंग। तो ये तैयार है दोस्तों हमारी पानी पूरी की फिलिंग। इसमें फ्रेंड्स आप बारीक कटे प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट और पसंद के हिसाब से। अब दोस्तों दही बताशों के लिए दही तैयार करेंगे। फ्रेश दही में पिसी चीनी मिलाएंगे और साथ ही इसमें ऐड करें काला नमक, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम बनाएंगे हमारे इंस्टेंट गोलगप्पे। तो उसके लिए ये मार्केट में फ्रेंड्स पैकेट आता है, आप ले लें, और एयर फ्रायर में हम इन्हें एयर फ्राई करके बनाएंगे दोस्तों। तो 180 डिग्री पे फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है हमारा, तो हम इसका बास्केट खोलेंगे और इसमें हमारे इंस्टेंट गोलगप्पे डालेंगे। आप बहुत सारे एक साथ डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम बास्केट को बंद करेंगे और इन्हें एयर फ्राई करेंगे 180 डिग्री पे 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने मजेदार लग रहे हैं हमारे इंस्टेंट गोलगप्पे, और ये एयर फ्रायर में हमने बनाए हैं। एयर फ्राई करके आप इस तरह से बहुत आसानी से गोलगप्पे बना सकते हैं, इंस्टेंट गोलगप्पे है फ्रेंड्स। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में फ्राई करके भी बना सकते हैं इंस्टेंट गोलगप्पे। तो ये है फ्रेंड्स विदाउट एनी ऑयल एयर फ्रायर में बने बहुत ही जायकेदार लाजवाब टेस्टी गोलगप्पे। आइए दोस्तों अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, हम बनाएंगे पानी बताशा। तो ये आया हमारा गोलगप्पा, इंस्टेंट गोलगप्पा। इसमें हम डालेंगे हमारी फिलिंग, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये फिलिंग हमने डाल दी है, और अब हम इसमें डालेंगे
हमारा तीखा चटपटा पानी फ्रेंड्स। तो ये गया और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। वेरी यम्मी डिलीशियस टेस्टी गोलगप्पा। तो ये है हमारा फ्रेंड्स मीठे पानी का बताशा। और अब हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स हमारे दही बताशे। तो उसके लिए गोलगप्पों को लेना है और इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम बाकी गोलगप्पे भी तैयार करेंगे। तो अब दोस्तों हम बनाएंगे दही के बताशे और इसमें हमने फिलिंग डाली थी और अब हम डाल रहे हैं बूंदी। बूंदी को फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर पानी में भिगा लिया था। अब इसमें डालेंगे धनिया पुदीने की फ्रेश चटनी, बहुत ही टेस्टी मजेदार। और ये हमने डाली इमली की चटनी। अब हम दोस्तों डालेंगे दही। और आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि दही में हमने इसी चीनी मिलाई थी। हमने ये दही डाला इसमें और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं फ्रेंड्स इस वक्त। ऊपर से हम गार्निश कर रहे हैं रोस्टेड पिसा जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, और ये हम डालेंगे नाइलॉन सेव। ये बारीक सेव है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं हमारे दही बताशों पे। चाट में खाते हैं तो अक्सर आपको ये ऊपर से दिखाई देते होंगे फ्रेंड्स, गार्निश करने के काम आते हैं। और ये ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी सी इमली की चटनी और डालेंगे और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है दोस्तों। वेरी वेरी नाइस। और ऊपर से डालेंगे थोड़े से फ्रेश हरे धनिया के पत्ते। तो रेडी है दोस्तों हमारे बहुत ही टेस्टी लाजवाब चटपटे माउथ वाटरिंग पानी और दही के बताशे इंस्टेंट गोलगप्पों के साथ। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि कैसे आप एयर फ्रायर में इंस्टेंट गोलगप्पे बना सकते हैं और मीठे और खट्टे चटपटे पानी के साथ पानी पूरी एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही दही पूरी भी एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम इसी तरह की अमेजिंग इजी रेसिपीज के साथ आपके सामने आते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अमेजिंग इजी कुकिंग में। थैंक यू।